पंचकुला के आशियाना सेक्टर 20 में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। कहीं नालियां बह रही हैं और कहीं कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। ऐसी जगह पर कैसे रहते हैं यहाँ के नागरिक, आप भी देखें खास रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशनल 18 न्यूज़ में। मैं हूँ काजल। आज हम खड़े हैं आशियाना सेक्टर 20 पंचकुला में। आज हम आपको जो समस्या दिखाने जा रहे हैं, यहाँ की बहुत बड़ी समस्या है जो कि है सीवर की परेशानी। आप देख सकते हैं यहाँ पे आम जनता को कितनी परेशानियाँ हो रही होंगी। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत क्या यही है सफाई, जहाँ पर हर तरफ से सिर्फ और सिर्फ गंदगी है। इस समय जो महामारी हमारे भारत में फैली हुई है, उसमें सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। और क्या सफाई के नाम पे हम यही कर रहे हैं? यहाँ पे पानियों की समस्या, सीवर की इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आम नागरिक को चलने में बहुत परेशानी होती है। क्या कहते हैं यहाँ के आम नागरिक, आइए हम जानते हैं। हाँ जी सर, तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक, अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर है नहीं, लेकिन यहाँ पर टट्टियों में से गुजरना पड़ता है जी हमारे को जी। और सबसे ज़्यादा बीमारी का कारण यही बनता है कि हम चल कर अपने घरों में जाते हैं। और यहाँ सीवर सबसे ज़्यादा, मतलब कहने का जी, आप जब सुबह आइए एक बार तो यहाँ पर पूरा पानी ही पानी होगा, पूरा लेटरिंग है, बाहर सड़कों पे फिर रही हैं। हमारी जनता इधर से निकल रही है मेन गेट से, चारों आना जाना इधर से ही है लगभग। मतलब इतनी परेशानी दिक्कत होती है कि यहाँ पर आना जाना कैसे, इसी बीच में से गुजरना पड़ता है हमेशा। आम इन सबसे पूछ लीजिए आप सबसे, बताइए। बहुत गंदे पेपर कुछ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी जनता है जिनको यहाँ से परेशानियाँ हो रही हैं। क्या सरकार का काम सिर्फ हमारी बड़ी बड़ी सोसाइटियों को ठीक करना रह गया है? इन छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान कौन देगा? इन छोटी छोटी समस्याओं को ये घर में कोई भी नहीं है, लेकिन जी देखिए ये हमारी यहाँ की जो बुजुर्ग महिला है वो भी इस परेशानी से रूबरू हो करके क्या कहना चाहती हैं? देखो मैम जी, देखो मेरे पीछे बहुत ही गंद गंद हो रहा है, बात आती है, बुकांद आती है, और मेरे पर रह ना जाए। बेटा मैं इकली रह रही हूँ, इस गुड्डी है लेखनी, ये सवा महीना की गुड्डी मैंने पाली है, इकली रह रही हूँ। मेरे पीछे पीछे गंद ही गंद ऊपर से फेंकते रहते हैं, किसते लड़ूँ, किसते गुम करूँ, इकली जाने बेटा मेरी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, और ये बुजुर्ग महिला है जो कि अपनी परेशानियाँ बता रही हैं। यहाँ पे सुधारने का काम किसका आ सकता है? यहाँ पे एक एक चीज़ की जो परेशानी आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे लोग अपनी सिर्फ परेशानियाँ ही हम तक पहुँचाने के लिए आए हैं। इनकी परेशानियों देखने का काम किसका हो सकता है? इसी जानकारी से हमारे यहाँ पर तमाम ऐसी जानकारियाँ जो छोटी छोटी हैं, जिस जो सरकार से अभी भी अनदेखी हैं, ऐसे ही तमाम जानकारियों को ध्यान रखने के लिए, जुड़े रहने के लिए देखते रहे हमारे चैनल को नेशनल 18 न्यूज़, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।